काफी टाइम से रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स को लेकर मीडिया के अंदर इतनी ज्यादा टीआरपी बटोरने के लिए हाहाकार लगी हुई है। देखो यार, मैंने उसके बाद देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि यार दिमाग बहुत ज्यादा बन्ना गया था। मैंने सोचा यार, जब सुशांत सिंह राजपूत को जब इंसाफ मिल जाएगा, तब आखिरी जो वर्डिक्ट आएगा उसी को देख लेंगे और तब बात कर लेंगे। पर जब मैंने संसद में जया बच्चन जी को अपने बॉलीवुड को बचाने के लिए जब गुहार लगाते हुए सुना, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा यार, अब तो अपना पक्ष रखना बनता ही है। देखो, संसद के जीरो आवर में कौन से सवाल पूछने चाहिए, कौन सी बात करनी चाहिए, इसकी थोड़ी बहुत ना समझ होनी चाहिए। देश में लोगों की इतनी सारी परेशानियां हैं, उनसे रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन पूछने चाहिए, उनसे सवाल मांगने चाहिए जो सत्ता के अंदर होते हैं। विपक्ष और सत्ता यही तो काम करते हैं कि विपक्ष जो होती है वो सत्ता से अपना जवाब मांगती है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बॉलीवुड का वहां पर जिक्र कर रहे हैं। देखो, कचरे को कचरे के ढेर में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि कचरे की असलियत में जगह वही है और बॉलीवुड एक कचरा ही है। और वहां पर इस कचरे को डिस्कस करना, जहां पर देश के लिए कानून व्यवस्था के लिए या फिर देश में नए बिल लाने के लिए, देश के विकास के लिए बातें होती हैं, यार ये चीज ना थोड़ी दर्ददायक है। और मुझे लगता है कि इस कचरे की वहां पर बात नहीं होनी चाहिए, और खासकर तब जब इस कचरे को लेकर ऑलरेडी जनता के अंदर इतना ज्यादा रोष है कि भाई सबको पता है कि इसमें ड्रग्स इन्वॉल्व हैं। तो वहां पर कचरे को डिफेंड करने के लिए जो जया बच्चन जी यानी अम्मा जी वहां पर डिफेंड कर रही हैं, यार ये ना ये कतई मंजूर नहीं है। अब थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। आपको पता है कि कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुई थी करण जौहर की पार्टी से, जिसमें कुछ नशेड़ी गंजेड़ी जो फिल्म स्टार है वहां पर दिखाए गए थे, जो नशा लेते हुए दिख रहे थे हमको। फिर ये रिया चक्रवर्ती का केस सामने आया, इसने बताया कि कैसे जो है ड्रग्स रिलेटेड जो लोग हैं उसके साथ मिले हुए हैं, और उसने भी बहुत बड़े नामी गिरामी लोगों के नाम भी लिए। और अभी हाल फिलहाल में किस्मत जो मूवी, पंजाबी जो किस्मत मूवी है, जो एक बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी, उसके जो डायरेक्टर है जिन्होंने बॉलीवुड के अंदर भी काम किया, तो उन्होंने बताया कि जो बॉलीवुड के अंदर जो नशा है वो ऐसे लिया जाता है जैसे वहां पर बीड़ी सिगरेट फूंकी जा रही हो। तो इन सब नशे से रिलेटेड रवि किशन जी ने संसद में एक बात बोली। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते, और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दे। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाना जो खुद नशे में पड़े हुए हैं, वो कैसे भारत की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कोई बात कह सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को किसी ऐसे लफंडर लौंडों के साथ घूमने देंगे जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं? जहां तक मैं अपनी भारतीय संस्कृति को जानता हूं, या फिर जो भी लोग भारतीय संस्कृति में बिलीव करते हैं, आस्था रखते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का इंसान हो, वो अपने कल्चर में बिलीव करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान अपने बच्चों को या अपने भाई बहन या अपने रिश्तेदार को कभी भी किसी भी ऐसे इंसान के साथ मिलने के लिए राजी होगा जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उसकी संगति में उसे बैठने के लिए वो तैयार होंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जब हम बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों से इतनी ज्यादा चिढ़ करते हैं कि भाई वहां पर ये कितनी गंदी संगति है, वहां पर नशे से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, तो यार सोचो कितनी ज्यादा भयानक चीजें हैं। ड्रग्स कितनी ज्यादा भयानक चीज है जिसने लोगों के घरों तक को उजाड़ दिया, तो आप कैसे अपने बच्चों को उन लोगों को रोल मॉडल बनने दोगे जो खुद नशा करते हैं? ये नशेड़ी गंजेड़ी फिल्म स्टार जिनको खुद को नहीं पता है कि दिन है या रात है, वो कैसे युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए या वो कैसे इंस्पायर करेंगे कि तुम जाकर काम करो, खुद वो नशा लेकर काम कर रहे हैं। तो रवि किशन जी ने सही बात की कि भाई भारत में जैसे नशे से रिलेटेड कैसे लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, तो इस तस्करी को जैसे तैसे रोका जाए, और भारत में जो लोग नशे में पड़े हुए हैं उसको सरकार जो है इनको बाहर निकालने का काम करे, और जो लोग इस नशे को इन लोगों तक पहुंचा रहे हैं उनको जेल में डाला जाए, जो जहां तक मेरी नजर में यार बहुत ज्यादा एक वैलिड पॉइंट है, और ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए, ऐसी चीजें कही जानी चाहिए संसद के अंदर। अब जरा अम्मा जी की भी बात सुन लेते हैं। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke
who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. Jis thali mein khate hain, usme chhed karte hain. Galat baat hai. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. अब अम्मा जी की बात सुनकर सबके दिल में एक सवाल जो मैं कहूंगा कि बहुत उबल रहा होगा, बाहर आने को बेताब होगा, वो ये होगा कि अम्मा जी तब कहां थी जब सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, अम्मा जी तब कहां थी जब पालघर में जब अटैक हुआ था, अम्मा जी तब कहां थी जब कंगना रनौत के ऑफिस को गिराया जा रहा था। वो तो खुद सरकारी तंत्र ने अपना एक सरकार का यूज करते हुए एक किसी इंसान के खिलाफ अपने सरकारी तंत्र का यूज किया, साफ तौर पर जाहिर था कि भाई इलीगल चीज है, ठीक है, लेकिन उस वक्त गिरा रहा ना, मतलब एक तरीके से अपना गुस्सा निकालने, ये सबको पता चल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत का जो ऑफिस गिराया वो खुद एक बदले के तौर पर उसका ऑफिस गिराया गया था वहां पर। OAT2 जरा चेक कर यार, अम्मा जी तब छुट्टी पर थी या उन्होंने तब अपने मुंह में दही जमा रखा था। देखो यार, हमारे देश में बुजुर्गों की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है क्योंकि बुजुर्ग अपनी जो लाइफ उन्होंने जी है तो हमें वो बताते हैं कि भी कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहिए, या फिर वो बहुत सारी बातों से हमें परिचित कराते हैं। लेकिन क्या हो जब खुद बुजुर्ग गलत रास्ते पे चल रहा हो और जो लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको बचाने के लिए समर्थन कर रहे हो। ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आई हमारी प्यारी अम्मा जी यानी जया बच्चन जी। तो आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखाएंगी तो नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि उन्हें बिगाड़ जरूर देंगी। या तो इनको डर है कि इनके ही जान पहचान का कोई इंसान इस चीज में कहीं फंस ना जाए, ड्रग के मामले में कहीं सामने ना आ जाए, या फिर कुछ और बात है, शायद मेरे पास मन पड़ने वाली पावर होती, बट ऐसा नहीं है। अम्मा जी की एक बात, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद करना, यार ऐसा लगता है कि जैसे अम्मा जी ने वो बॉलीवुड ना मतलब खरीद के रख रखा है, या फिर वो एक बॉलीवुड किसी के बाप की जागीर है। देखो यार, रवि किशन जी अपनी मेहनत से वहां पर गए थे, अपनी मेहनत के बल पे वो वहां पर वो टिके रहे, तब लोग उनको जानने लगे, तब लोग उनसे प्यार करने लगे। तो मैं प्यारी अम्मा जी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत टाइम बचा है तो अपने इस थोड़े बहुत टाइम को सही उपयोग करो, कुछ सही बातें लोगों को सिखाओ, और अपने जो पाप जो पूरे इस जन्म में किए हैं तो इसको थोड़ा बहुत कम करने के लिए जाके तीर्थ यात्रा करके आओ, थोड़े बहुत पाप कम हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि सारे पाप कम होने वाले हैं। और कुछ भी ऐसी बयानबाजी मत करो कि जिससे अभी फिलहाल जो बॉलीवुड से एक तरीके से नफरत बनी हुई है लोगों के मन में, वो ऐसी बन जाए कि वो लोग उसे गाली देने पर आ जाएं। तो खैर दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।